उमरिया जिला में स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय के अमर शहीद स्टेडियम ग्राउंड में जिला कलेक्टर स्वरजीत सोमवंशी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली एवं पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा की मौजूदगी में परेड का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर ने मुख्यमंत्री संदेश का वाचन किया एवं समृद्धि के प्रतीक रंगीन गुब्बारों को आकाश में छोड़ा गया। वहीं रक्षित निरक्षित के नेतृत्व में मार्चपोस्ट करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर को सलामी दी गई। परेड में SAAF, PTAS, जिला पुलिस बल एवं जिला होमगार्ड के जवान सहित जूनियर NCC स्काउट, शौर्य दल, रेडक्रॉस के छात्र छात्राओं ने मार्चपोस्ट किया एवं जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी बैंड दल के साथ देशभक्त की धुन से लोगों का मन मुग्ध कर दिया। वही कारगिल में शहीद की पत्नी शांतिबाई को एवं चंद्रयान 2 इसरो में कार्य करने वाले वैज्ञानिक हिमांशु मिश्रा के माता पिता को और भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाले हिमांशु प्रजापति के माता पिता को भी अतिथि के द्वारा शॉल श्रीफल देके सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ज्ञानवती सिंह, मनपुर विधायिका श्री मीना सिंह, बांधबगड़ विधायक शिव नारायण सिंह, जिला पंचायत सदस्य सावित्री सिंह, कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय सिंह, अपर कलेक्टर VK पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी रेखा सिंह, डेप्यूटी कलेक्टर नीलंबर मिश्रा, SDOP रूपरेखा यादव, SDM अनुराग सिंह, जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा, त्रिभुवन प्रताप सिंह, रोहित समस्त अधिकारी कर्मचारी, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण और इस देश के होनार भविष्य स्कूल बच्चे भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पुलिस अधीक्षक व वहां के समस्त पुलिस जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। जिनके कमांडर पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। हमारा देश आज भी सीमा पर लड़ाई लड़ रहा है। देश के जवान भारत माँ की सेवा में जी जान से लगे हैं। कल ही हमने ऐसे 5 परिवारों को सम्मानित किया है जिनके सदस्यों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश की बेटियों भावना डहरिया और मेघा परमार को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। मध्य प्रदेश की गणना अभी भी देश के पिछड़े राज्यों में ही होती है। राज्य सरकार के लिए प्रदेश के विकास की राह चुनौतियों से भरी पड़ी है। पिछले साल इन चुनौतियों को ध्यान में रखकर हमने 5 सालों के लिए एक वचन पत्र जनता को सौंपा था जो प्रदेश को चहुंमुखी विकास के रास्ते पर ले जाएगा। हमारी सरकार का गठन 25 दिसंबर 2018 को हुआ। उसके बाद लोकसभा और आचार संहिता के कारण एक लंबा समय हमें नहीं मिल पाया और वास्तविकता में केवल 5 महीने का ही समय काम करने के लिए मिला। पिछली सरकार से खाली खजाना मिला था, जिसके बावजूद जनता को दिए गए इस वचन पत्र में सभी वादों को 5 सालों में पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। प्रदेश की 70% जनता आज भी कृषि पर ही निर्भर करती है। इस कारण कृषि हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। हमारी सरकार ने सबसे पहले जनता से चुनाव पूर्व किए वादे के अनुसार किसानों की ऋण माफी पर कार्य किया और जय किसान फसल ऋण माफी योजना लेकर आए। योजना के प्रथम चरण में हमने 20,10,000 किसानों को 50,000 रुपए तक के चालू ऋण और 2,00,000 रुपए तक के डिफॉल्टर ऋण को माफ करने का कार्य किया। प्रथम चरण में छानबीन के दौरान एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि बड़ी संख्या में किसानों ने एक ही जमीन पर कई बैंकों से ऋण ले रखा था। इस कारण हमें गहरी छानबीन करनी पड़ी। अब हमने सरकारी बैंकों की पूरी छानबीन कर ली है, जबकि अन्य बैंकों की छानबीन जारी है। इसीलिए योजना के अगले चरण में हम 2,00,000 रुपए तक के सहकारी बैंकों के चालू ऋण माफ करने की कार्रवाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। अन्य बैंकों की छानबीन पूरी होने पर उनका भी ऋण माफी की कार्रवाई आगे की जाएगी। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इसीलिए रबी 2018-19 में उत्पादित गेहूं विक्रय पर 160 रुपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि का हमने निर्णय लिया है।